मीट करना चाहते हो मेरे माँ बाप से? क्यों, क्या काम है? चुगली करोगे मेरी? You know, a lot of people were asking me to show my parents. Basically, they wanna meet my parents. And YouTube पे लोग कमेंट कर रहे थे, ऐसे टाइप कर रहे थे कि अपने बाप को दिखा, तेरे बाप को, तेरी माँ को हमें देखना है, दिखा. तो मैं गई अपने बाप को, मैंने बोला है कि वनकम, do you wanna come to my YouTube channel? Because my audience wanna meet you. Do you wanna? मेरे को पता है क्या बोलता है वो. बोलता कि गू खा लूंगा, तेरी चैनल में कभी नहीं आऊंगा. What? ऐसे नहीं बोला है. मैं बहुत झूठ बोलने लगी हूँ आजकल. ऐसी हरकतें है ना मेरी. यू नो बेसिकली ही वॉज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. एंड फिर मैंने मम्मी को भी बोला कि डू यू वांट टू कम. फिर उसने बोला कि चुप कर, सिलाई कर दूंगी तेरे होठ, फिर से मत पूछना, नहीं आना है. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी. अगर वो फिजिकली यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, उनकी मैं पिक्चर दिखाऊंगी तुमको, उनकी उनकी. बट ऑल आई वांट टू से वन थिंग इज दैट वन डे दे विल डेफिनेटली कम टू माय चैनल एंड दे विल प्राउड ऑफ मी. बिकॉज आई थिंक दैट अभी वो जो है ना, वो अभी मेरे से बहुत गुस्सा है. जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से बहुत गुस्सा है वो लोग. सो अभी नहीं आ रहे हैं, बट मैं एक दिन उनको प्राउड फील कराऊंगी और डेफिनेटली वो मेरे चैनल में आएंगे और उसी दिन मैं लाऊंगी. और अगर अभी आना भी चाहेंगे मैं फिर भी नहीं लाऊंगी, क्योंकि मेरी बेइज्जती हुई है. मेरी बेइज्जती हुई है, मेरे साथ साथ मेरे सब्सक्राइबर्स की भी बेइज्जती हुई है. तो अभी मैं पिक्चर लेके आ गई हूं उनकी, तो सबको शो कराऊंगी और सबको हंसना है, ठीक है ना? सबको हंसना है उनके ऊपर. तो श्री गणेश करती हूँ अभी. बेसिकली ये जो एल्बम है ना, इससे ही मैंने निकाला है. ये मेरे माँ बाप के शादी का एल्बम है ये दोस्तों. यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स है ना, वो सब मेरे मम्मी और पापा के शादी के पिक्चर्स हैं. यहाँ पे मैं नहीं हूँ, पता नहीं शादी में मैं कहाँ थी. आ गई हूँ, पिक्चर निकाल लिया है मैंने. ये देखो, ये है उनकी पिक्चर. एक सेकेंड, मरे नहीं है, जिंदा है बेटा. क्या है? ओके, सो बेसिकली यू कैन सी दैट दिस इज द पिक्चर. ये जो है ना, ये यही मेरे बाप हैं, और ये जो है ये मेरी मम्मी है, और ये जो बीच में इन दोनों ने पकड़ के रखा है ना, बीच में ये जो है ना, ये मैं हूं. और मेरी शक्ल से ही तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो, मतलब मैं कितनी दुखी हूं. बिकॉज बिना परमिशन के मुझे पैदा किया गया था. तो मुझे जब पता चली ये बात, तो तुम लोग देख सकते हो मेरी रिएक्शन जो थी वो ऐसी थी. इसी मोमेंट में मुझे पता चली थी ये बात. और ये जो है मेरे पापा मफलर लगाए हुए हैं, और ये दोनों बेसिकली बहुत खुश है. इनको लगा कि इनके हाथ में एक हीरा आ गया है. इन्होंने बहुत अच्छा बच्चा पैदा कर दिया है इन लोगों ने, इनको लगता था तब. लेकिन बाद में जाके इनको असलियत पता चल गई कि मैं क्या हूं, एक नंबर की. तो ये जो खुशी है ना इन दोनों के चेहरे पे, तुम लोग देख सकते हो, एकदम उड़ गई दोस्तों, एकदम उड़ गई. और मेरी जो आउटफिट है ना, ये चप्पल और ये जो मैंने पहन के रखा है, अभी भी मेरे मम्मी पापा ने इसको अच्छी तरीके से गोट्रेस में सेव करके रखा हुआ है. लेकिन अच्छे तो है ये दोनों, मेरे लिए बहुत सोचते हैं. लेकिन कभी कभार क्या होता है, मुझे बहुत गुस्सा. बेचारे ये दोनों भी बहुत अच्छा ही डिजर्व करते थे, लेकिन मैं उनको थोड़ी पता था मेरी जैसी मिल जाएगी उनको. उनके नाक पे दम करके रखा है मैंने. ओके, कोई नहीं, पैदा किया है ना, चलो. और एक चीज तुम लोग नोटिस कर सकते हो, इन दोनों ने मिलके मुझे बहुत जोर से पकड़ के रखा था. यू कैन सी दैट, क्योंकि मैं बार बार उस दिन पुलिस स्टेशन जा रही थी और पुलिस को फोन कर रही थी, क्योंकि तो मुझे बिना परमिशन के पैदा किया गया था. तो इसलिए मैं बहुत गुस्सा थी, तो इसलिए मैं बार बार भाग के पुलिस स्टेशन जा रही थी. इसलिए मुझे इन दोनों ने ऐसे पकड़ के रखा था ताकि मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा पाऊं. बहुत शातिर है ये दोनों, मतलब माँ कसम इन पे ही गई हूं मैं तो. और ये जो है ना मेरी और एक पिक्चर है, यू कैन सी दैट. ये देखो, ये ना मेरी नानी थी, बेसिकली मेरी मम्मी की मम्मी थी. तो उन्होंने मुझे पकड़ के रखा था ऐसे. और ये जो है ये बच्चा, ये मैं ही हूं. और पता नहीं मैं हूं कि कौन है ये, मैं ही हूं शायद. अगर मैं गलत कर रही हूं तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि बचपन में मैंने खुद को थोड़ी देखा था, नहीं देखा था ना, मुझे नहीं पता. ऐसे फेस से मुझे लगा कि ये मैं ही हूं शायद. सो दैट्स व्हाई ये मैं हूं. और ये मेरी दादी है. और पिक्चर काफी पुरानी है दोस्तों, इसलिए थोड़ी ब्लरी ब्लरी आ रही है. बट
या और ये जो तुम लोग कपड़ा देख सकते हो ना, ये अभी भी मेरे पास है, मैं अभी भी ओढ़ के सोती हूँ इसको, क्योंकि बहुत मजा आता है, बचपन की चीजें बहुत अच्छी लगती है मुझे, सो इसलिए मैं अभी भी इसको ओढ़ के सोती हूँ। सो आई होप तुम लोगों ने देख लिया होगा पिक्चर, तुम लोगों की खुजली मिट गई होगी। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, मैं ऐसे ही मजाक करती हूँ, बुरा मत मानना। यही बात बोलना चाहूंगी कि बोल, क्या बोलना चाहती, भूल गई हूँ दोस्तों क्या बोलने आई थी। यही बात बोलना चाहूंगी कि वन डे आई विल मेक माय पेरेंट्स प्राउड एंड वो डेफिनेटली इस चैनल पे आएंगे, एंड दुआ करना मेरे लिए, प्रे करना, बहुत जल्द हो वो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर से आऊंगी 3 दिन बाद। बाय।